हेलो गाइज, आप देख रहे हैं एफटी थॉट्स। मेरा नाम है रवि कुमार और गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने ब्लॉगस्पॉट वाली वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल पा सकते हैं। गाइज जी, आप लोग सही सुन रहे हैं, आप लोग अपने ब्लॉगस्पॉट वाली वेबसाइट पे फ्री वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल पा के जो अपनी अर्निंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, अगर आप लोग उसे एज इट इज अपने वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं तो आपको एडसेंस अप्रूवल पाने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, और आप लोग अपने वेबसाइट से जो अर्निंग है वो आज से स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए गाइज, विदाउट किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कीजिएगा गाइज कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी यूनिक और यूजर फ्रेंडली वीडियोस लाता रहूं। और वहीं साथ साथ गाइज, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो महीने में गाइज आपको 15 वीडियोस ब्लॉगिंग से रिलेटेड मिल जाती है, जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। वहीं साथ साथ अगर चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोगों को और भी ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, एडसेंस अप्रूवल पाने के लिए आपके ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट पे आप लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जो सबसे पहला स्टॉप है गाइज वो है फॉलो एडसेंस पॉलिसीज। अब आपको एडसेंस पॉलिसी सारी फॉलो करनी पड़ेंगे। सो गाइज, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये पेज पे आके आप लोग सारी जानकारियां पढ़ सकते हैं। अब अगर आप शॉर्ट में जानना चाहते हैं तो मैं आपको सारी जानकारियां शॉर्ट में बता दूंगा। सो चलिए गाइज, अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या करना है आपको एडसेंस पॉलिसीज फॉलो करने के लिए। जो सबसे पहली बात है वो है वेबसाइट की लैंग्वेज। सो गाइज, आपके वेबसाइट की लैंग्वेज बहुत मैटर करती है अगर आप लोगों को अपने वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल चाहिए। अब अगर आपको अपनी लैंग्वेज जाननी है कि वो एडसेंस सपोर्ट करता है कि नहीं, तो आप लोग इस पेज पे आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद गाइज आप सिंपली अपनी लैंग्वेज सर्च कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एफ करके। जैसे मैं हिंदी यहाँ पर अगर लिख के सर्च करता हूँ तो हिंदी एडसेंस सपोर्ट करता है। देन इसके बाद अगर मैं इंग्लिश लिख के सर्च करता हूँ तो इंग्लिश भी सपोर्ट करता है। बट जैसे ही गाइज मैं नेपाली लैंग्वेज यहाँ पे लिखता हूँ सो देख सकते हैं यहाँ पर नेपाली सपोर्ट नहीं करता, जिसका मतलब है कि अगर आपका ब्लॉग नेपाली वाली लैंग्वेज में तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो गाइज आप लोगों को इसका ध्यान रखना है कि अपनी लैंग्वेज सोच समझ के यहाँ पर अपने वेबसाइट के लिए चुने। देन इसके बाद जो सेकंड चीज है गाइज वो है टाइप ऑफ ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट यू हैव। अब आपको गाइज अपने वेबसाइट पे बहुत ध्यान देना है कि वो एडसेंस पॉलिसीज के अगेंस्ट ना जाती हो, कोई इलीगल डाउनलोड्स ना हो। तो जैसा कि देख सकते हैं साइट बिहेवियर में यहाँ पर लिखा है कोई भी रिडायरेक्ट नहीं होना चाहिए किसी मूवी डाउनलोडिंग या अनवांटेड वेबसाइट पे, डाउनलोडिंग वेबसाइट या मालवेयर या पॉपअप वाली वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट रिडायरेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे गाइस बहुत से बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे और एडसेंस अप्रूवल भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है गाइस वो है कॉपा। अब बहुत से लोग नहीं जानते कि ये क्या होता है, तो मैं इसका फुल फॉर्म भी बताऊंगा और ये क्या है वो भी बताऊंगा। तो देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। जैसा कि मान सकते हैं गाइस कि यहाँ पर आप लोग आपकी वेबसाइट अगर चिल्ड्रन से रिलेटेड है तो आप उस वेबसाइट को मोनिटाइज नहीं कर पाएंगे और आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल पाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को वो वेबसाइट नहीं बनानी है जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड हो या चिल्ड्रन वाला कंटेंट आप उस वेबसाइट में डालते हो। सो गाइज इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है गाइज वो है चेंज ब्लॉगस्पॉट सेटिंग्स। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको ब्लॉगस्पॉट की कुछ बेसिक सेटिंग होती है उसे भी चेंज करना होता है। अब वो कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहली सेटिंग है गाइज वो है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। सो गाइज, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन बहुत मैटर करता है आपके वेबसाइट के एसईओ के लिए। सो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली सेटिंग के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग अपने वेबसाइट का टाइटल दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और वो कहाँ शो होता है गाइज वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप लोग अपने वेबसाइट गूगल में सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो आपके वेबसाइट का टाइटल जैसा कि देख सकते हैं गूगल पे शो हो रहा है। देन इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है आपके वेबसाइट का कि आपकी वेबसाइट क्या प्रोवाइड करती है यूजर्स को, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो समझ सकते हैं गाइस कि क्या आपके वेबसाइट की ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो इसको आपको चेंज करना है। देन इसके बाद ब्लॉग की जो प्राइवेसी है गाइस कि आपका ब्लॉग सर्च इंजन में शो होगा कि नहीं, उसे सर्च इंजन फाइंड कर पाएंगे कि नहीं, इंडेक्स होगा कि नहीं, उसे भी आपको यस करना है। तो इसके लिए आप लोगों को देख सकते हैं इसी सेटिंग में आना है, प्राइवेसी के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे और एड योर ब्लॉग टू आवर लिस्टिंग्स पे यस रखना है और लेट सर्च इंजन फाइंड योर ब्लॉग को भी यस रखना है। मतलब दोनों चीज़ों को आपको यस रखना है और सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और एडसेंस अप्रूवल पाने में भी बेनिफिट होगा। देन इसके बाद जो तीसरी चीज़ है गाइज वो है एसएसएल सर्टिफिकेट। तो गाइज एसएसएल सर्टिफिकेट ब्लॉगर फ्री में आपको प्रोवाइड करता है, जैसा कि देख सकते हैं उसे एचटीटीपीएस रिडायरेक्ट भी बोलते हैं। तो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट मतलब कि एचटीटीपीएस अवेलेबिलिटी को यस करना और एचटीटीपीएस रिडायरेक्ट को भी यस कर देना है। तो इन दोनों चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है गाइज। ये ब्लॉग की जो बेसिक सेटिंग होती है इसका आपको ध्यान रखना है, ये कहीं अगर बेकार हुई या गलत हुई तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। देन इसके बाद गाइज जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कंटेंट इज किंग फॉर योर वेबसाइट। अब अगर आप सारी पॉलिसीज को और बेसिक सेटिंग्स को भी अप्लाई कर देते हैं और उसमें कुछ कंटेंट ही नहीं लिखते तो गाइज कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको कंटेंट लिखना है और वो यूनिक कंटेंट लिखना है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ।
तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा। देन इसके बाद गाइज जो नेक्स्ट चीज है वो है क्रिएट योर ओन इमेजेस। अब ओन इमेजेस क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है और ब्लॉग की रैंकिंग का भी फैक्टर होता है वो इमेजेस पे ही डिपेंड होता है। तो इसके लिए आप अपनी वेबसाइट पे इमेज बना सकते हैं पिकमंकी, पिक्सलर, पिक्स आर्ट ऐसी जैसी वेबसाइट से और एप्लीकेशन से अपनी ओन इमेजेस बना सकते हैं। तो कॉपीराइट का कोई डर ही नहीं होगा और आप लोग फ्रीली उसे अपलोड कर सकते हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है गाइज वो है बेसिक नीड्स फॉर अप्रूवल, जैसे कि 25+ पोस्ट, रिक्वायर्ड पेजेस, रेस्पॉन्सिव थीम, वेबसाइट स्पीड। अब अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं गाइज तो इस पे मैंने वीडियो भी एक अपलोड किया है एडसेंस अप्रूवल को लेके, जैसा कि देख सकते हैं एडसेंस अप्रूवल एफटी थॉट्स लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वीडियो आएगी, जिसको अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग अपने वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए जारी कर सकते हैं या रेडी कर सकते हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो इस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें और यहाँ से आप लोगों को ये जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पता चल जाएंगे, तो इसका भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और देन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है गाइज वो ये है कि डू नॉट चेंज एनीथिंग आफ्टर अप्लाइंग फॉर एडसेंस। अब आप लोगों ने सारी चीज़ें कर ली और अप्लाई कर दिया एडसेंस के लिए, अब इसके बाद आपको अपनी जो कोडिंग है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, क्योंकि इससे आपके वेबसाइट का जो अंडर कंस्ट्रक्शन का जो मैसेज है वो आ जाएगा आपके वेबसाइट पे, एडसेंस रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखना है। सो गाइज ये सारी जानकारियां थी मैंने आपको दी। अगर आपको अपने ब्लॉगस्पॉट वाली वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल चाहिए सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।